केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल के सांसदों किशन कपूर, सुरेश कश्यप, इंदु गोस्वामी, सिकंदर कुमार व पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर नए प्रोजेक्टों की जल्द मंजूरी की मांग की, जिसमें 900 करोड़ की लागत से लठियाड़ी मंदली ब्रिज की मांग प्रमुखता से की व सड़कों के रूप में पुरानी सभी सौगातों के लिए उनका आभार प्रकट किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सीमित रेल और हवाई कनेक्टिविटी वाले हमारे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए सड़कें जीवन रेखा का काम करती हैं। औद्योगिक व विकास की अन्य परियोजनाओं को गति देने, पर्यटन व राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए सड़क सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। क्या बोले अनुराग ठाकुर, सुने। आज हिमाचल प्रदेश के लोकसभा राज्यसभा के सांसद नितिन गडकरी जी से मिले और माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों को और मंजूरी दी जाए। नेशनल हाईवे को, फोर लेन हाईवे को, लठियाणी मंदली पुल जो लगभग 20-25 किलोमीटर के सफर को कम करेगा, ये बहुत बड़ी मांग थी। लगभग 900 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, हमने उसकी मांग की है कि जल्द से जल्द उसकी मंजूरी की जाए। पठानकोट से परौर तक का फोर लेन बन रहा है, लेकिन हमने कहा परौर से मंडी तक भी इसको फोर लेन बनाया जाए और मटौर से लेकर हमीरपुर शिमला का फोर लेन हाईवे, इसकी मांग हमने की है। नाहन के लिए बाईपास की सड़क की मांग की है और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने आश्वस्त किया है कि इन सभी पर वो गंभीरता से विचार करेंगे और निर्णय भी करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये 900 करोड़ रुपये का पुल, लठियाणी मंदली पुल, जिससे लगभग 25 किलोमीटर सड़क या सफर कम होगा, उसका लाभ पर्यटकों को भी और हिमाचल वासियों को मिलेगा। इससे हमारे यहाँ पर पहले भी कीरतपुर से लेकर नेरचौंग तक फोर लेन हाईवे बहुत तेजी के साथ बन रहा है। परमाणु से लेकर सोलन तक का फोर लेन हाईवे बना है और अब सोलन से शिमला का भी बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है। ये केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार में नए आयाम स्थापित हुए हैं और नितिन गडकरी जी ने दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश को काम दिया है।